हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू क्रिजी टेक। तो आज के शो में मैं आपको बताने वाला हूँ पांच स्मार्टफोन के प्रिडिक्शन जो कि आने वाले 5 साल में होंगे। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सब जैसे कि जानते हैं कि स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी इवॉल्व हो रहे हैं। वही हम 8 साल पहले अगर देखें तो स्मार्टफोन एक ऐसी चीज़ थी जो कि सिर्फ मतलब बहुत कम लोगों के पास दिखाई देती थी। और लेकिन आज देखें तो स्मार्टफोन आई थिंक 95% लोगों का स्मार्टफोन है। और स्मार्टफोन आजकल एक बहुत ज़्यादा कॉमन है। तक स्मार्टफोन आजकल 3,000 से लेके कहते 1 लाख 2 लाख में भी आता है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन की रेंजेस बढ़ गई है। और हमें देखें तो हमारे स्मार्टफोन में बहुत सारे इनोवेशंस होते हैं। हमारे स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा अपग्रेड होते जा रहे हैं टाइम के साथ। एक टाइम तक हम वो बटन वाले फ़ोन यूज़ करते थे, उन्हें फीचर फ़ोन कहा जाता है, हम वो फ़ोन यूज़ करते थे। और आज का टाइम में जब हम वो वाले फ़ोनों को भूल गए, आज तक हम लोग किसी इंसान को फ़ोन देंगे तो वो थोड़ा कन्फ्यूज़ होगा 2 मिनट के लिए, इसे यूज़ कैसे करते हैं। देखा जाता है स्मार्टफोन बहुत जल्दी इवॉल्व हो रहा है, ऐसी इवॉल्वेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जा रही है। 2 साल पहले देखे, 2 साल पहले फिंगरप्रिंट सिर्फ फ्लैगशिप फोन्स में आते थे। फिंगरप्रिंट बहुत ज़्यादा मतलब एक न्यू टेक्नोलॉजी थी जो कि हर फोन में नहीं आती थी। लेकिन आजकल 2000 के फ़ोन में भी एक फिंगरप्रिंट सेंसर आता है। ऐसे कुछ पांच स्मार्टफोन के फीचर्स देखेंगे जो कि 5 साल में बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएंगे। सबसे शुरुआत करते सबसे पहले से, वो है बैटरीज एंड पावर। तो हम जब तक बात करते बैटरी और पावर की, तो एक टाइम था जब हम बटन वाला फ़ोन यूज़ करते थे जिसके अंदर बैटरी होती थी 700 mAh या उससे भी कम mAh की, जो कि चलता था एक एक हफ्ते चल जाता था फ़ोन विदाउट चार्जिंग, या तो किसी किसी का और भी ज़्यादा चलता होगा। लेकिन अब हम अगर बात करें आज हमारे फ़ोन में 3,000-4,000 mAh होती, लेकिन हमें ऐसे तो भी एक दिन से ज़्यादा फ़ोन चलता नहीं। ज़्यादा जो भी ज़्यादा से बेटर फ़ोन होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा दो दिन चलेंगे, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा कोई स्मार्टफोन चलेगा नहीं। अल्टीनेस आपने उसे बस स्विच ऑफ करके रखा हुआ है। तो बात करें तो ये हो सकता है, ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर में हमारे पास कहते आज की जितनी बैटरी की स्पीड है उससे कम फिजिकल स्पेस में ज़्यादा पावर रहेगी। यानी कि अगर आज 4,000 mAh है तो शायद कल उसी स्पेस में, मतलब अगर 4,000 mAh को इतनी पावर लगा, मतलब इतनी जगह लगती है आपके स्मार्टफोन में, तो मे बी आने वाले 5 सालों में वो इतनी जगह में 8,000 mAh की पावर डाल सके। जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्मार्टफोन में नए नए फीचर्स आ रहे हैं जिसकी वजह से ज़्यादा बैटरी कंजप्शन हो रहा है, जैसे कि ब्लूटूथ, वाईफाई, सब बहुत कॉमन हो गया है, फेस अनलॉक, AI आ रहा है, तो इन सब में पावर ज़्यादा कंजर्व होगी। तो देखा जाए तो हमें और एनर्जी की ज़रूरत है, एक ऐसी बैटरी चाहिए जिसमें ज़्यादा एनर्जी हो और वो फ़ोन ज़्यादा चले। तब हम आते दूसरे के ऊपर, वो है फिजिकल पोर्ट्स का गायब होना। हम जानते हैं एप्पल ने सबसे पहले इसकी शुरुआत करी थी हेडफोन जैक हटा के। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रही है और हमें वायर का यूज़ बहुत कम हो रहा है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप कहते हैं अपने फ़ोन के लिए वायर कब कब यूज़ करते हो, तब सब आप में से ज़्यादातर लोग यही बोलेंगे कि या तो जब हमें कहते हैं चार्जिंग करना है, या तो हमें जब गाने सुनने रहते हैं तो हेडफोन्स हम वायर्स के थ्रू लगाते हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारे आने वाले 5 सालों में वायरलेस हेडफोन्स बहुत ज़्यादा कॉमन रहेंगे, बहुत ज़्यादा सस्ते हो जाएंगे। तो मे भी सब लोग वायरलेस हेडफोन्स लेंगे, तो उसके वजह से अगर हेडफोन जैक नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसकी वजह से ऐसे भी हट चुका है। बात करें चार्जिंग की, तो वायरलेस चार्जिंग तो ऐसे भी आ रहा है और वायरलेस चार्जिंग अभी बहुत जल्दी ज़्यादा अच्छा इवॉल्व होगा, तो एक चार्जिंग पोर्ट की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। इससे ये होगा कि एक तो अपना कॉस्ट कटिंग हो जाएगी और हमारे फ़ोन रहेंगे वो वाटर रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, या फिर वाटर प्रूफ भी हो सकते हैं फ़ोन। तो ये चीज़ तो होनी है, जैसे कि आप सब लोगों को पता है एप्पल धीरे धीरे चीज़ें हटा रहा है। एप्पल ऐसे ऐसे करेगा, फ्लैगशिप फ़ोन जो जो करेंगे वो बाकी के फ़ोन मैन्युफैक्चरर भी करेंगे। तो हम देख सोच सकते कि आने वाले 5 साल में हमारे फ़ोन में कोई पोर्ट्स नहीं होंगे बाहर, लेकिन सब कुछ वायरलेसली कंट्रोल होगा, या फिर हम बोले रेडियो से कंट्रोल होगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी से। जहाँ तक बात है, आज हम लोग अगर किसी चीज़ को हमें ट्रांसफ़र करना है किसी की कहते मोबाइल में या फिर लैपटॉप में, तो हमें वायरलेसली आजकल करते हैं। हमारे पास शेयरिंग जैसी चीज़ें जो कि दोनों में, लैपटॉप में भी और किसी के फ़ोन में भी, तो आसानी होती है। बात करते हैं हम तीसरे के, वो है शिफ्ट इन यूजर्स मोड। तो इसका मतलब ये कि अगर हम देखा जाए तो क्लाउड कनेक्टिविटी हमारे इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है।
हम अपना डाटा क्लाउड में ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि हम फोटोज़ में देखते हैं कि हम लोग अपना सारा डाटा अपना क्लाउड में रखते हैं। तो ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि जो नॉर्मल अगर हम गेमर को साइड कर दे कि हमारा जो भी डाटा और प्रोसेसिंग रहेगी वो दूसरे साइड रहेगा, वायरलेसली लिंक रहेगा, मतलब आपके स्मार्टफोन में एक डिस्प्ले रहेगा, बाकी सब प्रोसेसिंग वगैरह दूसरे क्लाउड के दूसरे साइड में होगा। और अब हमारे पास एक हैंडसेट होगा जिसमें हमें ज़्यादा फास्ट मतलब प्रोसेसर की ज़रूरत नहीं रहेगी ना ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत रहेगी। तो ये ज़्यादा एफिशिएंट वे हमारे स्मार्टफोन्स के कॉस्ट कटिंग होने वाले एफिशिएंट रहेंगे। फोर्थ हम बात करते हैं सिक्योरिटी, एनहेंस इन सिक्योरिटी। तो बात करें तो आज हम देख सकते हैं कि फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट आ गया। और देखा जाए तो एक टाइम था जब हम वो पिन और वो पैटर्न यूज़ करते थे, तो उनका ज़माना गया। और ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि इन फ्यूचर हम डीएनए स्कैनर्स यूज़ करेंगे, यानी कहते हैं हमारे फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट से भी ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा वो। तो ये एक अच्छी बात है, ऐसा होगा तो बहुत अच्छा होगा। डीएनए स्कैनर्स तो हमारे फ़ोन में एक और नई चीज़ आ जाएगी। हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ और लास्ट में, वो है कहते स्टोरेज मैनेजमेंट। तो देखा जाए तो मैंने जैसे कि बोला क्लाउड से अगर हम लोग का ज़्यादा अच्छा बेटर हो जाएगा क्लाउड से, तो हमें स्टोर करने के लिए मोबाइल में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ना मोबाइल में ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत है, ना आपको एक एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड खरीदने की ज़रूरत रहेगी। तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी, मतलब फ्यूचर में आपका ऐसे भी सारा डाटा क्लाउड में रहने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमारा 50% डाटा क्लाउड में रहता है, जैसे कि फोटोज़ वीडियोज़ वगैरह तो सब क्लाउड में रहती है। और गूगल फोटोज़ हमें 14 GB फ्री देता है। कुछ पांच प्रिडिक्शन थे स्मार्टफोन के आने वाले 5 सालों में होने वाले चेंजेस के। तो इसी के साथ आज कल यही कहता हूँ, वीडियो अच्छी तो प्लीज़ के बाद लाइक एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाल बटन से दबा दीजिए। प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि वीडियो कैसी थी, नेक्स्ट वीडियो किस बनाओ। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।